आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोटर आईडी करेक्शन के बारे में। वोटर आईडी में आप करेक्शन तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस या फादर नेम बहुत सारे कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं परवेज खान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से आप अपने वोटर आईडी कार्ड का एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। तो ओपन करते ही यहाँ पे हम इसकी टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे चाहें तो आप अपना लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। स्किप करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कई ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको नया वोटर कार्ड बनाना है तो आप यहां पे फॉर्म पे क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप आई बटन पे भी जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपको यहां पे अपना कोई भी चेंजेस या अपडेट करना है, जैसे फ़ोटो या डेट ऑफ बर्थ या अपना एड्रेस चेंज करना है, तो आप यहां पे एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे। एक्सप्लोर पे क्लिक करते ही आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ऑप्शंस में आपको यहाँ पे देखना है फॉर्म ऑप्शन ऑफ एंट्रीज, फॉर्म 8 पे क्लिक करेंगे। फॉर्म पे क्लिक करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे आप अपना नाम देंगे, जैसे चलिए हम यहाँ पे अपना नाम एंटर कर लेते हैं। नाम फिल करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से फिर लेट्स स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, डू यू ऑलरेडी हैव ए वोटर आईडी नंबर, तो यहाँ पे 99% चांसेस यही होते हैं कि अगर आप किसी भी ऑप्शन में करेक्शन करना चाहते हैं, आप वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे तो आपके पास ऑलरेडी नंबर होगा ही होगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे सबसे पहले हम अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर फिल करेंगे। चलिए हम इसे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे हम फिल कर लेंगे और यहाँ पे हम करेंगे फेच डिटेल्स। डिटेल्स ये अपने आप फाउंड कर लेगा और फाउंड करने के बाद यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही यहाँ सबसे पहले हमारा पूरी डिटेल आ जाएगी वोटर आईडी कार्ड की, जैसे यहाँ पे हमारा नाम, हमारे फादर का नाम और उसके बाद जो भी हमारा स्टेट है और विलेज वगैरह सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स को एक बार कंप्लीट देख लेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी चेंजेस करने वगैरह हैं, तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, क्योंकि हमें अपना एड्रेस चेंज करना है इसलिए हम एड्रेस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अब आपको जो नया एड्रेस आपको यहाँ पे चूज़ करना है वो आप यहाँ पे अपना फिल कर लेंगे। तो चलिए हम इसे फिल कर लेते हैं और आपको फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। यहाँ से हम अपना पिन कोड इंटर करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे अपना डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से हम एक मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और यहाँ से हम कोई एक डॉक्यूमेंट अपना यहाँ से अपलोड कर लेंगे। चलिए हम अपना आधार कार्ड यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से आप चाहें तो ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, वाटर बिल, टेलीफोन बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी आपको ऐसा डॉक्यूमेंट एक प्रूफ के तौर पे आपको देना होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। आप चाहें तो डिजी लॉकर से भी अपलोड कर सकते हैं या तो आप अपना यहाँ से गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से हमने अपना आधार कार्ड अपलोड कर लिया है। अब जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसकी मैक्सिमम साइज़ 2 MB की होनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक बार आप अपना नाम डालेंगे। चलिए हम यहाँ पे अपना नाम डाल लेते हैं और नीचे वाले ऑप्शन में आप डालेंगे अपना प्लेस, जहाँ पे आप रहते हैं। इसके बाद हम डन पे क्लिक करेंगे।
डन पे क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्मेट का प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ से आप अपना जो भी नाम है, आप यहाँ से मतलब जो भी आपने डिटेल्स वगैरह फिल की है, आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे उसे। चेक करने के बाद आप यहाँ से कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपके पास एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा जिसे आप कॉपी करके रख लेंगे। चलिए हम इसे कॉपी करके रख लेते हैं और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना स्टेटस चेक करने के लिए वापस यहीं पे आना है और स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और इसके बाद अपना यहाँ पे रेफरेंस आईडी नंबर जो कि मैंने अभी बताया हुआ है आपको कॉपी करने के लिए, वो यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने के बाद आपको ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करना है। ट्रैक स्टेटस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन, एक नया पेज आ जाएगा जिसमें आपको दिया हुआ है सबमिट। सबसे पहले आपका BLO अपॉइंटमेंट होगा, उसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन सभी प्रोसेस को कंप्लीट होने में कम से कम आपका 15 से 20 दिन लग जाएगा। 15 से 20 दिन के बाद आपका जो भी वोटर आईडी कार्ड बनेगा वो आपके पोस्ट ऑफिस से आपके घर पे, आपके पते पे आसानी से आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।